हेलो गाइस, तो गाइस आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपने आर लैंड्स के सर्वाइवल वर्ल्ड में। आप लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने इस विलेज को ढूंढा था, तो आज हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है सीजन टू रिटर्न्स एपिसोड टू आर लैंड्स। स्टार्ट करते हैं इस धांसू अमेजिंग वीडियो को, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था, पर उससे पहले मैं आज इस घर के पीछे एक्सप्लोर करने वाला हूँ, पर उससे पहले आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा बताए क्या गोल था इस मतलब मेरे बर्थडे आने के पहले। मेरा 28 दिसंबर को बर्थडे आता है। मेरा गोल था मेरे बर्थडे से पहले बताए कितना सब्सक्राइबर करना है। जब सोच के भी भाई कैसा लग रहा है यार कि यार अभी तक नहीं हो पाया है। वो गोल था कि मुझे लगता था कि 1K सब्सक्राइबर 1 मिलियन सब्सक्राइबर से बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर आज पता चल रहा है कितना जल्दी होता है भाई। 2 महीने हो चुके हैं मेरे को अपना चैनल खोले हुए, और आप लोग क्या सपोर्ट दिखाए हो भाई। आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर तक नहीं करवाया यार, प्लीज़ यार जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कर दो। मेरा गोल था कि 1K करना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज लाता हूँ डेली विद डेली। कोई यूट्यूबर नहीं डालता डेली अपना वीडियो सब, बट मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ। इसी मैं आप लोग को उनके लिए डेली वीडियो डालता हूँ, पर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, ऐसा क्यों? ये जवाब चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में। और हाँ, तो मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 5 सब्सक्राइबर 100 के लिए है, बाकी प्लीज़ करवा दीजिए आप लोग फटाफट से। आज पहले मैं टेम करने वाला हूँ अपना एक पेट हॉर्स, उसके बाद मैं टेम करने वाला हूँ एक टेम नहीं करने वाला मतलब पेट हॉर्स करने वाला हूँ, क्योंकि इधर उधर ट्रेवल करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इधर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था, और मेरा सैडल कहाँ गया भाई? सैडल गिरा। मैं सबसे फास्टेस्ट हॉर्स को टेम करने वाला हूँ। पता नहीं कौन सा फास्टेस्ट हॉर्स है, राइड पे जाते हैं, पहले तो इसको टेम करना पड़ेगा। हो जा। अच्छा टेम है ये, ओके, 2 सैडल रखना है। अब देखते हैं ये हॉर्स कितना ज़्यादा फास्ट है। ये स्पीड आई तो गधे का भी स्पीड नहीं होता, गधा भी इससे फास्ट दौड़ता है भाई। ना, तू मेरा हॉर्स नहीं है, ये नहीं है मेरा हॉर्स। मेरा हॉर्स रहेगा दूसरा रफ्तार, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ रफ्तार, क्योंकि वो ऑब्वियसली तेज भागेगा। इसी वजह से फटाफट से ढूंढते एक फास्टेस्ट हॉर्स को इस विलेज के अंदर। ये मैंने टीम के एक फर्स्ट हॉर्स को, इसका स्पीड ठीक है। वेट भाई, ये तो रेयर होता है। आजा, इसको तो मैं टीम इसको मतलब मैं अपना पेट रखने वाला हूँ एज अ पेट। भले ही मेरे लिए घर नहीं है, पर इसके लिए घर रेडी है अभी कुछ टाइम के लिए। इधर आजा सीपू, पिंकी सीपू। हाँ चलो, इधर होने वाला है इसका घर। और ये घोड़ा भी ठीक ठाक स्पीड में भागता है, तो आई थिंक कि इसका भी घर यहीं पे डाल देते हैं। आगे आगे आगे, अच्छा अच्छा अच्छा, और बूम बूम। हाँ, नहीं मिलेगा वहाँ पर, और मैं निकला यहाँ से कैसे? ऐसे घोड़े लोग इसको टाप सकते हैं आराम से। अब ढूंढते एक दूसरा घोड़ा, पहले इसको टीम कर लेते हैं, देखते हैं। ओ घोड़ू, तू अपना सैडल दे, एक नया घोड़ा टीम करने मेरे को। आई थिंक भाई ये सबसे फास्ट है, क्योंकि मैं जैसे बैठा बहुत तेज भाग रहा था। अभी शायद से ये फास्टेस्ट हॉर्स से कूदते हैं, लग तो रहा है भाई, इतना सा टाप नहीं पा रहा। और सब घोड़े तो यूँ टाप देते हैं भाई, देखो इस घोड़े को। माइनक्राफ्ट में लॉजिक नाम का चीज नहीं है, तो कैसे उड़े जा रहा है? घोड़ा इतना नहीं टाप सकता क्या यार? चलो, मेरे को तो स्पीड से मतलब है ना। गेट खुला भाई, इतना क्या मोटा घोड़ा है भाई, चढ़ नहीं सकता ना ये, कुछ कर सकता है? इसको तो मैं ऑब्वियसली नहीं रखने वाला हूँ, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं ना यार, देखने में क्या जाता है। जल्दी से टूट जा, 2000 साल में टूटेगा ये ऑब्वियसली।
तो ये टूटने वाला है क्या? हाँ टूटने वाला, टूट जा, टूट गया। हाँ अरे भाई फरारी निकला यार ये तो। अरे भाई यार इस घोड़ा का तो मैं अपना ये फालतू खर्च रखूँगा कि भाई इतना फास्ट चल रहा है भाई। लेकिन ये एक चीज़ गंदा यार, इतना सा फ्रेंड्स टाप तो लेता है भाई। तू है मेरा पालतू पेट, ठीक है? तो हम लोगों ने एक मिशन पास किया, अपनी एक सीपू को रखा, ले तू खाना खा ले थोड़ा, अपने सीप को रखा और एक अपने घोड़े को पाला। फर्स्ट डे में हम लोगों ने माइनक्राफ्ट का ये किया, फर्स्ट नहीं मतलब सेकेंड। और ये सीप क्या कर रही है ना अभी? मैं पिंक सीप के आसपास कोई सीप को नहीं भटकने दे सकता। तो मेरा गोल है कि मैं आज माइनिंग करने वाला हूँ, ठीक है? माइनिंग करने वाला हूँ, तब तक के लिए मैं एक छोटा सा घर अपना पकड़ लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक छोटा सा घर पकड़ने के बाद। गाइज मैंने अपना तब तक के लिए टेम्प्रोरी एक घर चूज किया है, ये विलेजर यहीं पे सोएगा। इधर मैं एक सोच रहा हूँ कि स्टेयर्स लगा दूँ। स्टेयर्स आई थिंक कि मैंने चेस्ट में रखा था। स्टेयर्स तो हाँ है, तो लगा देते हैं वहाँ पे, क्योंकि इस घर को मैं थोड़ा अपग्रेड करने वाला हूँ। इसी घर में कुछ टाइम के लिए मैं रहूँगा, जब तक मेरा पर्सनल घर नहीं बन जाता। और मैं अपने पेट्स के लिए भी घर बनाऊँगा, पहले मैं अपने पेट्स के लिए बनाऊँगा, और तब तक लिए यही है मेरा एक छोटा सा घर। सो जाते हैं फटाफट से, चुका है डे, अब चलते हैं बाहर, मज़ा आ गया सो के। तो चलते हैं माइनिंग। फिर पहले मैंने कौन से मैंने विलेज के ही पहले मैं कोई चेस्ट में मैं जब ऑफलाइन टाइम खेला था ना, तो मैंने कितना तो ये रखा था यार, 64 and 25 हाँ टॉर्चेस मैंने रखा था। कौन से लेकिन विलेज के चेस्ट में रखा था ये नहीं याद है, देखते हैं कहाँ पे मैंने रखा था, ढूंढते हैं इधर उधर। ये घोड़ा तो फालतू घोड़ा है, चलो आई थिंक ये मैंने ब्लैक स्मिथ के घर में रखा था, तो चेक करते इसके चेस्ट में। चलते हैं इधर ब्लैक स्मिथ के घर में और देख लेते हैं। हाँ मैंने शायद ब्लैक स्मिथ के घर में ही रखा था, और मेरे को गोलम भी मारना, उसका वाटर बकेट बना लूँगा मैं। तो ये रहा टॉर्च अपना, मैंने ऑफलाइन जब ग्राइंड किया था तभी बनाया था ये सब चीज़ों को। चलते हैं, मेरा तो मेन गोल है आज मैं आयरन आर्मर बनाऊं, पर उससे पहले मेरे को मारना है गोलम। गोलम नीचे ही घूम रहा था, तो उसको मारते हैं फटाफट से और थोड़ा क्लच व्लच कर लेते हैं। ये 0 damage मिला भाई, तो गोलम को फटाफट से मारते हैं और उससे आयरन लेते हैं, देखते हैं कितना आयरन वो ड्रॉप करता है। चलो भाई गोलम ढूंढते हैं पहले, कहाँ पे है ये गोलम? वो देखो भाई, मैं तभी से इस गधे को कहाँ ढूंढ रहा हूँ और ये घूम कहाँ रहा है। और भाई गोलम नहीं भाई, इतना कम एच भी हो गया, भागो भागो भागो, यहीं पे बना लेता हूँ ना टावर अप करते। 1 2 3 हो गया, अब मारते हैं इस गोलम को फटाफट से। मार दिया इस गोलम को, इस सूट को तोड़ते हैं। मैंने एक्स से मारा है क्योंकि एक्स का ज़्यादा डैमेज होता है, और पॉपी मिला मेरे को। कितना घी के में 3 ही आयरन दिया, क्या यार, वैसे 3 का ही बकेट बनता है। तो फिर से बकेट बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास। चल क्राफ्टिंग टेबल मैंने नहीं बनाया, तो बनाते हैं बड़ा बड़ से। मैंने बकेट बना लिया था और मैंने ले लिया है पानी यहाँ से। चलते हैं माइनिंग करने, लेकिन केव कहाँ था यार? उस साइड था। हाँ चलते हैं, और मैंने आधा टॉर्च विलेज से उठाया है और आधा टॉर्च मैंने ग्राइंड किया है। इधर था शायद से एक डीप केव बड़ा सा, तो फटाफट से चलते हैं उसी केव में। भाई ग्रे सीप भी होता है क्या माइनक्राफ्ट में? मेरे को मतलब हैरानी हुआ भाई, ग्रे कलर का तो नहीं होता। और मैंने वाटर बकेट क्यों बनाया? इसकी वजह से, मैं यहाँ से गिर के मर सकता हूँ। तो फटाफट से चलता है नीचे। हो भाई क्या ही बच्चा हूँ, वाटर बकेट क्लच करके इस पानी को उठाते हैं। मैंने अभी वाटर बकेट क्लच किया था, तो इधर मैं टॉर्च लगा देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या है। आयरन वैसे तो मेरे को ढूंढना है, मेरा अभी का गोल है आयरन आर्मर बनाना। कम से कम तो आयरन आर्मर होना ही चाहिए भाई, क्या ही हार्ट अटैक दिलाएगा यार ये तो। नहीं ना भाई, इतना नीचे भी नहीं जाना मेरे को। ओ आयरन तो यहीं पे, इतना भी नीचे मैं नहीं जा रहा माइनिंग करने के लिए। इधर पे जब आयरन है तो उधर का ही गजा जाना है। ऊपर चलते हैं, इधर इसको तोड़ते हैं और ऊपर चलते हैं। ये कौन सा नया टाइप का ब्लॉक है यार, पता नहीं क्या क्या है। तब भाई मैं यहाँ का आयरन कैसे छोड़ सकता हूँ? एक ही आयरन तो है, कोई नहीं।
इधर इधर भी था शायद, बाहर में देखते हैं यार, बाहर में तो आयरन होगा ही, यहाँ कहीं पे चेक करते हैं आयरन, देखते हैं कहाँ पे है ये मिस्टर अपने आयरन, आयरन कहाँ है भाई, मेरे को तो आयरन दिख ही नहीं रहा यार, कहाँ गया आयरन, कहाँ पे है भाई आयरन, आयरन मेरे को दिख ही नहीं रहा, आयरन आयरन है क्या यहाँ पे, बाहर में आई थिंक आयरन नहीं है, नहीं है। और ये इतना सा कटीला पदार्थ क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, एकदम ही कांटा ही कांटा है पूरा, मुंह में भी कांटा ही हो जाएगा फिर। हाँ ये रहा, ये तो गोल्ड है, आयरन चाहिए मेरे को, गोल्ड नहीं चाहिए, गोल्ड शायद से स्टोन पिकैक्स से नहीं टूटता है, टूटता है यहाँ पे, ये रहा आयरन दिख गया मेरे को। ऐसे ही मैं फटाफट से आप लोग को आयरन तोड़ने के बाद मिलता हूँ, 64 तो नहीं यार, कुछ आयरन तोड़ने के बाद मिलता हूँ आप लोग से कम तो मैं 20 आयरन तोड़ने ही वाला हूँ फटाफट से तोड़ते हैं 20 आयरन को, वहाँ पे कुछ आयरन मिला था तो तोड़ते हैं आगे। आई थिंक कि आयरन नीचे ही मिलेगा, मेरे को नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, क्या है इतना से, तो मेरा हाथ ही कप कप आ रहा है, कहीं गिर ना जाऊँ, बस डर लग रहा है एमएलजी करने से, करूँ क्या गाइस, करूँ क्या, रिस्क लूँ क्या, इधर नहीं करते, इधर लावा है, क्राउच होकर थोड़ा देखते हैं क्या है इधर भाई, इधर तो सीधा मौत है और कुछ नहीं है। हाँ लटक लटक के चलते हैं ना वाटर बकेट से, अपना वाटर बकेट जिंदाबाद, तो चलते हैं नीचे, चलते हैं सीधा यहीं से, चलते हैं नीचे। ये मैंने पानी डाल दिया है, कुछ इधर मैंने इंतज़ार किया है पानी नीचे जाने का, तो चलते हैं नीचे, पानी उठाया, नीचे चलते हैं अब आराम से भाई, डरा दिया है, जल्दी चल बे, हाँ ऐसे आते हैं नीचे, ऊपर ऊपर जाने का पता नहीं कैसे, तो पहले माइन कर लेते हैं जितना आयरन हो पाता है उतना। व्हाट बी डायमंड यार, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड भाई, भाई मैं क्या करूं यार, क्या करूं भाई, मैं यहीं पर फटाफट से फर्नेस बना के मैं स्मेल्ट कर रहा है इसको, भाई साहब लिटरली डायमंड मिले हैं मेरे को फर्स्ट टाइम भाई, डायमंड की खुशी ही अलग होती है यार भाई, भाई तीन डायमंड, ओ भाई यार, भाई मेरे को जल्दी बनाना है, कहाँ यार, कहाँ, ये प्रॉब्लम, अरे यार मेरे को फट, अरे यार मैं टॉप, भाई मेरे को जल्दी चाहिए यार प्लीज भाई, डायमंड तोड़ने की खुशी ही अलग होती है यार, फर्नेस कहाँ है भाई अब, ये रहा ये एक फर्नेस, पहला इसको यहाँ पे क्राउच किया, यहाँ पे लगाया, इसको खोला और आयरन डालते हैं नीचे, क्या प्लैंक डाल देते हैं, बस तीन ही जलना है, जल्दी से वेट कर लेते हैं इसके जलने और डायमंड हम लोग तोड़ने वाले हैं गाइस। बूम गाइस, मैंने बना लिया अपने आयरन की पिकैक्स, भाई मेरे को डायमंड मिल गया, मिल गया भाई डायमंड यार, भाई तीन डायमंड भाई मेरे को फर्स्ट टाइम डायमंड मिला है भाई, अभी तक तो आयरन का आर्मर भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो मैंने सीधा डायमंड भाई साहब के रेडस्टोन भी मिला है, तो साथ ही साथ इसको भी लेते ही चलते हैं। वैसे रेडस्टोन के क्या काम आते हैं, हाँ यार रेडस्टोन तो मतलब पिस्टन विस्टन धकेलने के काम आता है, तो रेडस्टोन मैंने ले लिया, अभी चलते हैं आगे भाई, बस मेरे को आयरन चाहिए और डायमंड, लेट्स गो डायमंड, मोर डायमंड, आई वांट मोर डायमंड, ऐसा ना हो मैं रास्ता ही भूल जाऊं जाने का, ना भाई ऐसे नहीं होगा, 5 डायमंड मिले हैं यार मेरे को अभी तक, लैपिस लाजूली का क्या ही करूंगा, नीचे चलता हूँ और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं इस गेम में यार, बेडरॉक एंड होता है, हाँ बेडरॉक एंड होता है शायद से, बेडरॉक लास्ट होता है, इधर चलते हैं क्या है, डायमंड का खुशी ही अलग है और आयरन भी ठीक है, मतलब चेक करते हैं एक बार कितना आयरन हुआ है, पर पहले इस आयरन को तोड़ लेते हैं, 20 आयरन मेरे को ऑलमोस्ट लेना है, ऑलमोस्ट 20 या 15 भी चलेगा, 20 तो हो ही गया होगा, तोड़ लेते हैं इसको बराबर से, इसको मिलाने के बाद 20 तो हो ही गया होगा, बट पहले इस पूरे आयरन को तोड़ लेते हैं,
मैंने तोड़ लिया पूरा आयरन। अब चेक करते हैं कितना हुआ है, ये देख रहे हो 14 आयरन और कितना डायमंड है, 5 डायमंड। 14 आयरन 5 डायमंड, भाई बहुत अमीर है। तो चलते हैं अभी ऊपर, रास्ते में तो मिल ही जाना चाहिए और भी आयरन वायरन डायमंड वगैरह सब, अगर पीछे छूटा होगा तो। चलते हैं, लेकिन मैं हाँ टॉर्च को ही फॉलो करना है, टॉर्च के ट्रेन को। तो चलते हैं ऊपर। लैपिस लाजुली मैंने कैसे छोड़ दिया, आई थिंक मैंने ही बोला था कि लैपिस लाजुली का क्या काम है, लेकिन कोई नहीं तोड़ लेते हैं, अच्छी बात है। लैपिस लाजुली भी मिल जाना चाहिए क्योंकि वो डायमंड का भाई है, वरना डायमंड नाराज हो जाता है। भाई इधर नहीं जाना मेरे को, मेरे को मैं कहाँ जाने लगता हूँ अचानक से। हाँ तो मैं इधर जा रहा था जैसे, अरे यार मैं टॉर्च क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, पहले से बहुत कम टॉर्च है, टूट जा। हाँ टूट गया। तो मेरे को कहाँ जाना था, ऊपर जाना था ना, मैं ऊपर से आया था, ऊपर से टपका था कहीं से। तो ढूंढते हैं वापस जाने का रास्ता। ओ गोल्ड मिला मेरे को, गोल्ड आयरन पिकैक्स से टूटता है, तो इससे मुझे भाई कितना हार्ड होता है गोल्ड को तोड़ना। ऐसे गोल्ड पिगलिन से ट्रेड करने में काम आएगा नेदर में, इस गेम में। जी हाँ गाइस, जिन लोगों को पता नहीं है, इस गेम में नेदर वर्ल्ड होता है, मतलब पाताल लोग कह सकते हैं आप लोग उसको, क्योंकि वो हेल टाइप का ही होता है एक। मैं उधर से आया तो मेरे को याद आ गया और मैं उधर ही जा रहा हूँ वापस। उससे पहले मैं थोड़ा आयरन और तोड़ लेता हूँ और गोल्ड भी तोड़ लेता हूँ। आज तो भाई काफ़ी सारा ही, ज़्यादा ही मैं माला माल हो गया। तो मैं फटाफट से 20 आयरन कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। भाई यार मेरे को अभी मैंने अपना घर का रास्ता पीछे था, मेरे को पता है, और इधर मैंने एक नई चीज़ देखा तो मैं दौड़ा दौड़ा आ गया इधर। ये क्या है भाई, अरे चले यार ऊपर चलना, ऊपर चलना है मेरे को ऊपर। इधर इतना अंधेरा है एक तो यार इस जगह पे। हाँ मेरे पास टॉर्च है, मैं भूल ही गया, बट पहले इस ब्लॉक को तोड़ लेते हैं। भाई सच्ची में यार कुछ नहीं दिख रहा, इधर प्लेस करो भाई इसको और ऊपर चलते हैं। बट इधर चढ़ के चलते हैं, हाँ इधर से ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये क्या है, कोई केव है क्या यहाँ पर, ये क्या है, डायमंड। ओ मेरे को डायमंड मिल गया, डायमंड के ब्लॉक से भाई, ये सच्ची में क्या डायमंड के ब्लॉक से, क्या डायमंड के ब्लॉक से, क्या ये ब्लॉक ऑफ एमेथिस्ट भाई। यार क्या है यार ये, मेरे को लगा डायमंड मिल गया मेरे को डायमंड के ब्लॉक से, क्योंकि डायमंड ऐसा नहीं दिखता। और इसको तोड़ लेते हैं, ये भी काम के ही होंगे ब्लॉक्स। ये एमेथिस्ट है, ये इसका क्या काम आता है कि? इसको तोड़ लेते हैं अब। इस ये जो है क्रिस्टल टाइप का लग रहा है मेरे को, न्यू रेसिपी अनलॉक हो जाते हैं इससे। ओके इधर सब ठीक है यार, ज़्यादा नहीं तोड़ते वरना इन्वेंट्री फुल हो जाएगा। तो चलते हैं नीचे, मैं अपने मिशन से काहे भटक गया हूँ, मेरे को आयरन चाहिए और चलते हैं आयरन ढूंढने के लिए। भाई लॉल यार, मेरा एम था 20 डायमंड्स, 24 हो गए मेरे पास। और ये क्या है भाई, अलग सा ही ब्लॉक दिख रहा है मेरे को, पता नहीं ओवरवर्ल्ड में कौन सा ब्लॉक है भाई। ओवरवर्ल्ड में कभी ऐसा ब्लॉक आता है क्या, मैंने तोड़ तो लिया। मैं अभी बाहर चलता हूँ और फिर आप लोग से मिलता हूँ और उस ब्लॉक का भी नाम पढ़ लेते हैं साथ ही साथ, ऊपर चलने के बाद ही। तो चलते हैं ऊपर। मेरे को जाना किधर है मेरे को दिख ही नहीं रहा नीचे, बस मैं इस रेड स्टोन के ट्रेन को फॉलो कर रहा हूँ और नीचे जाते जा रहा हूँ मैं। इधर ऊपर से मैं कहीं से आया, हाँ इसी लावा के पास से, हाँ याद आया मेरे को, यहीं पे तो मैंने क्लच मारा था। तो चलते हैं ब्लॉक लगा के सीधा ऊपर ही, मैं आप लोग से मिलता हूँ। हूफ ब्रो यार, मैं 5 डायमंड लेके आया हूँ और आयरन आर्मर तो मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा। मैंने थोड़ा बहुत कॉपर भी तोड़ ही लिया था, तो ऊपर कैसे चढ़ा जाए, इस पानी से चढ़ते हैं। चलो ऊपर चलते हैं भाई, फटाफट से ऊपर चलते हैं, सीधा ही ऊपर मिलता हूँ आप लोग से विलेज में। भाई साहब, और मैंने कुछ खोल भी लाए हैं, वो मेरे इन्वेंट्री में है। मैंने भाई लिटरली यार 25 आयरन और 5 डायमंड लेके आया हूँ। मेरे सीपू, ये देख मेरे हाथ में क्या है, नीले कलर की डायमंड। और उस घोड़े का क्या है भाई, घोड़ा तो बहुत फास्ट है अपना। मेरा घर कहाँ था इस विलेज में, हाँ इधर था, ये रहा बड़ा सा, 2 विलेजर का घर लगता है मैंने मिक्स कर दिया ऐसा। TNT था क्या, नहीं मेरे को लगा कोई मेरे वर्ल्ड में आ गया, TNT फोड़ रहे हैं यहाँ पे। और मेरे को तो
चाहिए अभी मेरे को, अभी मेन ये सब जलाना है ना, तो जलाने का काम बाद में करते हैं, पहले सो जाते हैं फटाफट से। देयर आर मॉन्स्टर नियर। तूने गेट खोला, जा भाई जा तू मर, मैं सो रहा, मॉन्स्टर नियर बाय है नहीं तो, ज़्यादा विलेजर को मार दे फटाफट से, मैं सो के मिलता आप लोग से गाइस। भाई साहब मैं सो नहीं पा रहा यार, टूट टूट तू नहीं सो सकता, ज़ॉम्बी नहीं। अरे यार ये मॉन्स्टर का अलग ही है, जल्दी से मैं मॉन्स्टर को भगा के आता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ मॉन्स्टर को भगाने के बाद। गाइस गुड मॉर्निंग, मैंने सारे कोल्स को लगा दिया था स्मेल्टिंग पे, ये गोल्ड हो भी गया, नाइस यार गोल्ड हो भी गया, केक को तो गोल्ड हो चुका है। इधर मैंने कॉपर डाला था, कॉपर भी हो गया है ऑलमोस्ट, और आयरन उठा लेते हैं अब, आयरन भी हो चुका है थोड़ा बहुत, तो फटाफट से बनाते हैं आयरन का आर्मर, आयरन का आर्मर बना लेते हैं, उसके लिए क्राफ्टिंग टेबल चाहिए जो मेरे पास है नहीं, है ना, तो बनाते हैं फटाफट से आयरन का आर्मर। तो गाइस मैंने बना लिया अपना फुल सेट आयरन आर्मर प्लस आयरन के टूल्स, और वो वो भी कपड़े पहन के आ गए मेरे को मारने के लिए, अब तो सब मेरे पीछे पड़ोगे भाई, मैं अब मुझसे खतरनाक कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। तो मैं आज के इस वाले एपिसोड में इतना ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बना लिया है जो मैंने कहा था पूरा आइटम आयरन का। तो आज इस वाली वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, और वो निशान की मेरे को तभी जब पीछे से मारे जा रहा है यार, मैं आउट्रो देने का कोशिश कर रहा हूँ, पीछे से भगा भगा के मार रहा है यार मेरे को, कोई प्लेयर तो नहीं ना वो। तो आज इस वाले वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के, तब तक के लिए बाय बाय। ये निशान की अपने आप को समझ का रखा है वे, हैं मेरे को मारेगा है नहीं तो पकौड़ा कहीं का, मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा, तू मेरे को